हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक डिस्कस कर लिया था तो आज हम लोग इस वीडियो में फर्दर टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कैरा एन एक्सपेरिमेंट हैज़ टेन इक्वली लाइकली आउटकम्स टेन इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ठीक है मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है टोटल आउटकम क्या है टेन है टोटल लेट ए एंड बी बी द टू नॉन इम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इसी एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट है ए एंड बी इफ ए कंसिस्ट ऑफ फोर आउटकम्स मतलब ए वाला जो है उसमें चार आउटकम्स है तो हम लोग अब प्रोबलिटी लिख सकते हैं तो प्रोबेबलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा कितने आउटकम्स है चार आउटकम्स है ये हमारा फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल शुरू में ही बताया है कि एक्सपेरिमेंट के पास टेन पूरे आउटकम्स हैं तो ये फोर अपॉन टेन प्रोबिलिटी ऑफ ए इसको और सॉल्व कर ले तो टू अपॉन फाइव ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया अब कह रहा है द नंबर ऑफ ऑफ आउटकम्स दैट दैट बी 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 मस्ट हैव सो ए एंड आर इंडिपेंडेंट तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें चाहिए फेवरेबल और टोटल टोटल तो टो टेन है तो फेवरेबल क्या है फेवरेबल्स तो हमें पता ही नहीं है तो यहां बोला है नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब बी के लिए क्या आउटकम है हमें नहीं पता है हम मान लेते हैं फेवरेबल जो है बी के लिए एन है तो एन ये क्या हो सकता है वो जीरो से लेकर टेन के बीच में ही होगा क्योंकि टोटल आउटकम तो टेंथ है तो मतलब एन की वैल्यू जो होगी जीरो से लेकर या जीरो और टेन के बीच में होगी है ना जीरो और टेन के बीच में होगी आगे क्या बोला है बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट मतलब ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कब जब ये वाली इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर कुछ होगी तब तो हम लोग इंडिपेंडेंट की कंडीशन लगाते हैं पहले क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इचक्ल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रॉबलिटी ऑफ बी ये होता है इंडिपेंडेंट का कंडीशन तो इसका पता है हमें टू अपॉन फाइव इसका भी हम लोगों ने निकाला था लेट करके एन अपॉन टेन तो ध्यान से देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा टू एन बाई फाइव और ये टेन बाई टेन हमने ऐसे लिखा ऐसे क्या होगा ये फेवरेबल होगा ये टोटल होगा अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा एन की वैल्यू हमें बतानी थी तो ध्यान से देखो ये जो फेवरेबल है वो क्या होगा जीरो से लेकर टेन के बीच में ही होगा कोई क्योंकि टोटल टेन है तो फेवरेबल क्या होगा जीरो से लेकर टेन के बीच में तो मतलब ये कोई ना कोई इंटीजर रहा होगा तो हमारा मेन क्या है टारगेट कि ये जो होना चाहिए ये इंटीजर होना चाहिए और ये इंटीजर कब होगा तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं पहला ऑप्शन है टू फोर एट टू रखें इसमें एन की जगह तो क्या आएगा टू टू जो फोर अप फाइव क्या ये इंटीजर है इंटीजर नहीं है तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दूसरा ऑप्शन रखें थ्री सिक्स नाइन लिखा है ना तो एक रख लेते हैं थ्री तो टू थ्री जा सिक्स अपॉन फाइव क्या ये इंटीजर है ये भी इंटीजर नहीं है है ना क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा थर्ड वाला रखें फोर तो टू फोर जा एट बाई फाइव तो क्या ये इंटीजर है ये भी इंटीजर नहीं है पॉइंट में आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या है फाइव और टेन फाइव रखें टू फाइव जा टेन टेन अपॉन फाइव तो ये कैंसिल होकर टू आ गया ये तो इंटीजर है और टेन भी रखकर चेक कर लें टू टेन जा ट्वेंटी बाई फाइव है ना इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा फोर आ जाएगा तो यहां से देख रहे हैं ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है मतलब एन की वैल्यू क्या होगी फाइव होगी या तो टेन होगी तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू कह रहा है एन अर्न कंटेन्स नाइन बॉल्स मतलब एक अर्न है मतलब बॉक्स ही समझिए जिसमें नाइन बॉल्स हैं विच ऑफ विच थ्री आर रेड तीन इसमें रेड हैं एंड फोर आर ब्लू चार ब्लू हैं टू आर ग्रीन ठीक है, blue. Blue है. Green. दो ग्रीन है और क्या बोल रहा है थ्री बॉल्स आर एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्थ तीन बॉल्स को हमें निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री बॉल्स हैव डिफरेंट कलर मतलब तीनों जो बॉल होंगे वो तीनों अलग अलग कलर के होंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी तीन बॉल निकालने हैं तो तीनों अलग अलग होना चाहिए तो पहले इन तीन रेड में से एक रेड ले लें ठीक है एंड हमें तीन निकालने हैं और दूसरा बॉल निकालने जाएंगे तो इसमें से ले लें ब्लू वाले में से ठीक है तो चार ब्लू है उसमें से एक ब्लू ले लिया एंड दो निकाल चुके हैं एक और चाहिए तो दो ग्रीन में से एक ले लेते हैं ठीक है तो हमने सभी में से एक एक बॉल ले लिया तो इसलिए सभी डिफरेंट कलर के हो गए अपॉन टोटल लिखना है टोटल कितने बॉल है नाइन बॉल है और कितने निकालने थे थ्री निकालने थे बस अब इसी को सॉल्व करेंगे तो थ्री सीवन मतलब थ्री आता है फोर सीवन मतलब फोर टू सीवन का मतलब भी टू तो थ्री फोर जा, जा टी फोर और इसको ओपन करेंगे नाइन इंटू एट इंटू सेवन तो फैक्टोरियल थ्री को ऊपर भेज देते हैं तो सिक्स इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टू अपॉन सेवन तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अ बायस्ड क्वाइन विथ प्रोबेबिलिटी मतलब एक क्वाइन है जो कि बायस्ड है मतलब उसमें कोई छिड़कानी की गई है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है ठीक है प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है और ये पी की वैल्यू बता रखा है कि जीरो से जीरो और वन के बीच वैल्यू होगी पी की इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इसको तब तक टॉस किया जाता है जब तक कि हेड ना आ जाए वो भी पहली बार प्रबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड इज हमें प्रोबेबिलिटी बता दिया है कि टू बाई फाइव है और ये नंबर ऑफ टॉसेज क्या होने चाहिए इवन मतलब सेकेंड फोर्थ सिक्स एट्थ ये सब वाले पोजिशन पे हेड आना चाहिए ठीक है ना तो और क्या बोल रहा है तो पी की वैल्यू पूछा है तो इवन प्लेसेस पे हमें हेड लाना है ठीक है ना तो केसेस क्या बन सकते हैं इवन तो भाई टू होगा फोर होगा सिक्स ऐसे ऐसे सभी होंगे तो केस पहला क्या बनेगा कि पहली बार टॉस किया तो नहीं आया क्योंकि नहीं आना चाहिए क्योंकि सेकंड पे आना चाहिए फोर्थ पे आना चाहिए सिक्स पे आना चाहिए इवन पे आना चाहिए तो पहले पे नहीं आया दूसरे पे आ गया ठीक है ना तो प्रोबेबिलिटी जो है बता रखा है कि आने की प्रोबेबिलिटी पी है ठीक है ना तो नहीं आया दूसरे पे आ गया ये केस हो गया और क्या केस हो सकता है पहले पे ना आया हो दूसरे पर भी ना आया हो तीसरे पर भी ना आया हो चौथे पर आया हो ठीक है देखो सेकेंड पे आया फोर्थ पे आया अब किस पर आएगा सिक्स पे आएगा तो केस थर्ड में क्या होगा पहले पे ना आया हो दूसरे पर भी तीसरे पर भी नहीं चौथे पर भी नहीं पांचवे पर भी नहीं छठवें पर आ जाए देखो टू फोर सिक्स सब इवन पोजीशन पर हाँ, वो आ रहा है ठीक है ना तो इसी तरह ढेर सारे केसेस बन जाएंगे अब देखो पहले पर नहीं आया है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और हमें बता रखा है प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी है आने की है ना आने की प्रोबेबिलिटी पी है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन माइनस पी वन में से घटा दें और आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ठीक है हमने पहले वाले केस के लिए लिख लिया अब इसी तरह दूसरे वाले के लिए न आने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी है ना यहां भी नहीं आया यहां भी नहीं तो तीन बार न लिखकर हम क्यूब लगा देते हैं ठीक है और आने की प्रोबेबिलिटी पी अब इसी तरह इसमें देखें पांच बार नहीं आया है तो वन माइनस पी टू पावर फाइव लिख दें आने की प्रोबेबिलिटी को पी लिख दें इसी तरह ढेर सारे केसेस बनेंगे तो ये सब केसेस बन रहे हैं मतलब या तो पहला केस होगा या तो दूसरा या तो तीसरा या वाली फीलिंग आ रही है तो मतलब इन सबको ऐड करेंगे वन माइनस पी पी प्लस वन माइनस पी टू दावर क्यूब पी प्लस वन माइनस पी टू पावर फाइव पी प्लस डॉट 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 ठीक है इसको ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी दे रखा है टू अपॉन फाइव रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है तो हमने टू बाई फाइव के इक्वल कर दिया अब ध्यान से देखें ये तो जीपी लग रहा है अभी इनफाइनाइट तक जाएगा इनफाइनाइट जीपी उसका सम क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर ए मतलब फर्स्ट टर्म तो हम इसको फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं अपॉन वन माइनस आर आर कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा वन माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव इसी को आप सॉल्व करना इसको इधर भेजें तो फाइव पी हो जाएगा मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर तो माइनस फाइव पी स्क्वायर और इधर टू इसको ओपन कर ले पहले वन ए वन का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो लेकिन वो माइनस कर देगा और फिर माइनस टू पी आएगा तो वो प्लस टू पी हो जाएगा ठीक है ये इससे कैंसिल तो यहाँ से देखे फाइव पी माइनस फाइव पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू पी स्क्वायर और टू टू जा फोर पी इसको इधर भेजें तो ये प्लस टू हो जाएगा मतलब माइनस थ्री पी स्क्वायर और इसको इधर भेजें तो प्लस पी और अच्छे से लिखे थ्री पी स्क्वायर माइनस पी इजक्ल टू तो जीरो पी कॉमन है तो थ्री पी माइनस वन इजक्ल टू तो जीरो तो यहाँ से पी की वैल्यू जीरो आ गई और पी की वैल्यू वन बाई थ्री ठीक है अब क्वेश्चन में बोला था जो पी था हमारा वो जीरो और वन के बीच का है जीरो नहीं है तो इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे ये वाला आंसर होगा हमारा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कह रहा है अबॉक्स कंटेन्स थ्री क्वाइंस एक बॉक्स है जिसमें तीन क्वाइंस है ठीक है हम लोग बॉक्स बना लेते हैं तीन क्वाइंस से कैसे कैसे वन क्वाइन इज फेयर एक फेयर क्वाइन है और दूसरा वन क्वाइन इज टू हेडेड टू हेडेड क्वाइन है ठीक है और तीसरा क्या weighted, weighted है वन क्वाइन इज वेटेड वेटेड क्वाइन है तो फिर क्या कह रहा है सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपियरिंग इज वन बाई थ्री मतलब जो वेटेड क्वाइन है उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है वेटेड कॉइन के लिए और बोल रहा है अ क्वाइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड एक क्वाइन को सेलेक्ट करना है बॉक्स में से और टॉस कर देना है तो टॉस करने के बाद देन द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपियर हेड आया हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ देखो ध्यान से इंड रिजल्ट हमें नहीं पता है कि लास्ट में हेड आया ही है हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है तो इन रिजल्ट तो पता नहीं है इन रिजल्ट पता रहता तो बेस थ्योरम पे लगता लेकिन नहीं पता है तो किस पे लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे तो पहले क्या करना एक एक कॉइन को चूज करना है इसमें से चूज कर लेते हैं तो कोई फेयर वाला चूज किया होगा या फिर कोई टू हेडेड वाला चूज किया होगा या फिर क्या वेटेड वाला है ना तीन चॉइसेस है तो एक कॉइन चूज कर लिया हमने मान लो अगर फेयर वाला चूज किया ठीक है तो फेयर वाला चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूरे तीन क्वाइन है इसमें से एक चूज किया है तो वन बाई थ्री अब एक इसमें से भी चूज किया है इसमें से एक टू हेडेड टू हेडेड वाला चूज किया है तो वन बाई थ्री और वेटेड वाला चूज किया तो वन बाई थ्री ठीक है अब क्या बोला था जो भी चूज किया है उसको टॉस करो तब इसको टॉस किया तो कह रहा है, है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो मतलब हमको यहां अल्टीमेटली हेड तक पहुंचना है है ना इससे भी टॉस करने पर हेड तक पहुंचना है इसको भी टॉस करने पर हेड तक पहुंचना है Osionfish. तो फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेयर कॉइन है अच्छा वाला कॉइन है तो वन बाई टू यह टू हेडेड कॉइन है टू हेडेड कॉइन है तो मतलब दोनों तरफ उसके हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल में तो दो हो गए क्योंकि दोनों तरफ हेड है और टोटल क्या है टू तो। दोनों तरफ हेड तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी वन आ गया मतलब जब टू तो हेडेड कॉइन को, को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन है वेटेड कॉइन को टॉस करेंगे तो हेडिक प्रोबेबिलिटी ये दे रखा था कि वन बाई थ्री है वेटेड कॉइन के लिए तो बस अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिखें तो वन बाई सिक्स प्लस ये सब केसेस हैं तो ऐड करेंगे वन बाई थ्री मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई करें वन बाई नाइन ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इलेवन अपॉन एटीन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव करा इफ टू क्वाइंस आर टॉस्ड दो क्वाइन को टॉस किया गया कितनी बार फाइव टाइम्स तो एन की वैल्यू क्या है पहली बार दो क्वाइंस है और कितनी बार टॉस किया गया पांच बार तो टू फाइव या टेन ये एन की वैल्यू हो गई हमसे पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव हेड्स एंड फाइव टेल्स पांच हेड है और पांच टेल है उसकी प्रोबिलिटी बतानी है तो रिक्वायर्ड प्रोबिलिटी क्या होगी एन सी आर पी टू दावर आर क्यू टू दावर एन माइनस आर ये फार्मूला होता है तो आर क्या यहां पांच बार आना चाहिए हेड और पांच बार आना चाहिए टेल किसी को भी आप सक्सेज माने किसी को भी आप फेलियर माने पहली बात इसमें सबसे पहले क्या मानना है सक्सेज वाला तो मान लेते हैं हेड आया तो सक्सेज आया ठीक है हेड आया तो मतलब सक्सेज मिल गया तो आर की वैल्यू क्या कितना बार आना चाहिए हेड पांच बार तो आर की वैल्यू हमारा पांच है तो एन की वैल्यू टेन आर की वैल्यू फाइव ये P क्या है स्मॉल P है सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी और सक्सेस किसको माना है हेड आने को माना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन बाई टू होती है R की वैल्यू फाइव है अब क्यों क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हेड आएगा तो सक्सेस है और हेड के अलावा जो भी आएगा वो फेलियर है मतलब टेल आएगा तो फेलियर है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई टू यह हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है क्यू की प्रोबेबिलिटी एन माइनस आर लिखना है टेन में से फाइव गया बचेगा आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा सिक्सटी थ्री अपॉन टू फाइव सिक्स तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कह रहा है अटल स्पीक्स ट्रूथ इन सेवेंटी परसेंट मतलब अटल जो सच बोल रहा उसकी है उसकी प्रोबेबिलिटी है सेवेंटी परसेंट एंड जॉर्ज स्पीक द ट्रूथ इन सिक्सटी परसेंट केसेस और जॉर्ज के परसेंटेज क्या है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है सिक्सटी परसेंट इन वाट परसेंटेज ऑफ केसेज दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट मतलब क्या है प्रॉबिलिटी हमसे पूछा है परसेंटेज में कि कंट्राडिक्ट हो कंट्राडिक्ट का मतलब क्या है यहाँ कंट्राडिक्ट का मतलब है कि अगर अटल सच बोल रहा है तो जॉर्ज झूठ बोलेगा तभी बहस हो पाएगा तभी ना कंट्राडिक्ट होगा बहस हो पाएगा या फिर जॉर्ज सच सच बोल रहा हो और अटल झूठ बोल रहा हो तब जाकर बहस हो जाएगा मतलब ये कंडीशन क्या है कंट्राडिक्ट की दो कंडीशन बन रहा है कि जब अटल सच बोले जॉर्ज झूठ बोले या जॉर्ज सच बोले अटल झूठ बोले तभी कंट्राडिक्ट की पॉसिबिलिटी है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं अटल सच बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अटल की सच बोलने की है ठीक है एंड और जो जॉर्ज है वो झूठ बोल रहा हो तो जॉर्ज के ऊपर हमने बार लगा दिया कंप्लीमेंट लगा दिया क्योंकि झूठ बोल रहा है ठीक है या फिर क्या हो सकता है दूसरा केस कि अटल वाला झूठ बोल रहा हो तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया एंड जॉर्ज वाला सच बोल रहा हो ठीक है तो वैसे ही अब सबकी वैल्यू रखो अटल के प्रोबेबिलिटी क्या है सच बोलने की सेवेंटी परसेंट मतलब सेवेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू जॉर्ज के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी सिक्सटी परसेंट है तो झूठ बोलने की फोर्टी परसेंट है ना तो फोर्टी परसेंट मतलब फोर्टी अपॉन हंड्रेड यही ना वन में से आप घटा के भी लिख सकते हो वन माइनस सिक्सटी परसेंट वैसे भी करोगे तो यही आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के झूठ बोलने की सच बोलने का ये है तो झूठ बोलने का तीस परसेंट होगा बस मतलब थर्टी अपॉन हंड्रेड और जार्ज के सच बोलने का क्या है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी अपॉन हंड्रेड तो यहां से देखें ये जीरो ये जीरो ये वाला और ये जीरो ये जीरो क्या बचा सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट अपॉन टेन टेन इंटू टेन हंड्रेड प्लस थ्री सिक्स एटीन अपॉन हंड्रेड तो ये कितना आ जाएगा ऐड करने पर ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी एट और एटीन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी सिक्स अपॉन वन हंड्रेड अब इसको कैंसिल करेंगे तब जाकर आएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन फिफ्टी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है लेट प्रोबे पी ऑफ ई e, मतलब ये क्या है डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जहां यह लिखा है इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू ए वन है और बी की वन बाई टू दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है है ना तो मतलब ये दूसरा पहला इवेंट अलग है ए दूसरा इवेंट बी अलग है तो मतलब ये दोनों कैसे इवेंट है अलग अलग इवेंट है तो मतलब इंडिपेंडेंट है कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो हमसे क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इसको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इसको क्या पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और पढ़ते कैसे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इसका फार्मूला भी बता रखा है कि दोनों का इंटरसेक्शन लिखिए और नीचे जो है वो लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी तो अभी हमने बोला ये दोनों इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट है कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है तो क्या फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसकी वैल्यू वन दिया हुआ है तो क्या आ गया वन अब दूसरा क्या बोला है निकालने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीवे ने यही बोला है तो इसका भी वही फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए ठीक है बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन भी बात वही है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब इंटरसेक्शन है अभी हमने बताया दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबल्टी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दोनों कैंसिल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा और बी की वैल्यू है वन बाई टू। तो ये वन बाई टू आ गया तो आंसर क्या आ गया वन एंड वन बाई टू तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कह रहा है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज टू जीरो पॉइंट थ्री और बी का दिया हुआ है इंटरसेक्शन का दिया हुआ है तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो आप ध्यान से देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर से है तो क्या होगा फॉर्मूला इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सॉरी यहां यूनियन है ना तो यूनियन ठीक है बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन नीचे वाली की प्रोबेबिलिटी ठीक है तो ध्यान से देखो नीचे वाली की तो चाहिए ही तो पहले इसको निकाल के रख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फार्मूला पता है सबको अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी कंप्लीमेंट दिया है तो ए वाला क्या होगा वन में से घटा दे तो वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट चाहिए बी का दिया हुआ जीरो पॉइंट फाइव और वन में से इसको भी घटा दो तो वन में से घटा के लिखेंगे तो क्या आएगा फिर से वही जीरो पॉइंट फाइव आएगा माइनस अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग वेन डायग्राम से अगर समझे बी है, है ये बोला है बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाहर वाला सब कुछ बाहर वाला बी को छोड़कर फिर क्या करना है ए के साथ कॉमन लेना है इंटरसेक्शन लेना है तो ए के साथ लेंगे तो यही आएगा रीजन है ना क्या आ गया रीजन ये ठीक है ना मतलब ये पूरा ए नहीं है पूरे ए में से बस ये वाला हटा है तो इसको क्या लिखेंगे पूरे ए में से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ये कॉमन वाला जो है हटा दो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी हटा दो तो यही वाला आ जाएगा तो आप सबकी वैल्यू रख लेते हैं 0.5 पॉइंट फाइव माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है अभी हम लोगों ने लिखा था 0.7 ये माइनस माइनस प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.3 दे रखा है अब ध्यान से देखें ये इससे कैंसिल ये मिलकर 0.8 हो गया अब इसमें हम लोग रखते हैं तो देयर फोर क्या हो जाएगा अब ध्यान से देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं मतलब बी इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई दोनों जगह करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के साथ ठीक है अब ये बी इंटरसेक्शन ए के साथ हो गया अब बी इंटरसेक्शन बी बार के साथ होगा तो यूनियन वैसे ही अब बी इंटरसेक्शन बी बार के साथ ठीक है यहां तक अंदर का काम हो गया अब नीचे क्या है जीरो पॉइंट एट अभी निकाला था अब ये बी इंटरसेक्शन सेक्शन बी कम्प्लीमेंट मतलब ये बी है बी के बाहर वाला बी कम्प्लीमेंट होगा और बी ये होगा तो कोई कॉमन तो है नहीं इन दोनों में मतलब इसकी वैल्यू फाई आएगी कोई कॉमन नहीं है फाई का यूनियन लोगे इसके साथ तो यही आएगा तो मतलब प्रोबेबिलिटी आप ए इंटरसेक्शन सेक्शन हमने उल्टा लिख दिया है अच्छा लगे जिससे और इस इंटरसेक्शन की वैल्यू दिया है जीरो पॉइंट थ्री है ना और अपॉन जीरो पॉइंट एट तो ये पॉइंट खत्म हो गया है थ्री थ्री बाई एट आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कह रहा है लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स इसमें से एक लेटर लेना है एंड द अनादर लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असिस्टेंट असिस्टेंट वर्ड में से किसी एक लेटर को लेना है द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर इसमें से एक लेटर लेना है इसमें से एक लेटर लेना है प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है कि दोनों लेटर जो रहे होंगे वो सेम रहे होंगे तो ध्यान से देखें क्या क्या ले सकते हैं हम ऐसा ही लेंगे जो इसमें भी हो इसमें भी हो तभी तो सेम आएगा तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं मान लेते हैं एस ले रहा हूं मैं इसमें से एस ले लिया तो इसमें से भी एस लेना पड़ेगा ताकि सेम हो तो ले सकते हैं ना इसमें भी एस है इसमें भी एस ले सकते हैं और और क्या हो सकता है टी ले लें इसमें से इसमें से भी टी ले लें क्योंकि दोनों में है ये भी हो सकता है और और क्या हो सकता है ए ले लें ए इसमें भी है ए इसमें भी है तो ए वाला भी केस हो सकता है और टी तो ले लिया आई भी ले सकते हैं है ना क्योंकि आई इसमें भी है इसमें भी है और क्या सी ले सकते हैं सी इसमें है C hai, लेकिन इसमें नहीं है तो सी तो सेम होगा हो ही नहीं पाएगा तो बस यही चार केसेस बन रहे हैं तो हम लोग बारी बारी से अब लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं पहले वाले से एस निकाला एक एस लिया क्योंकि एक ही लेटर लेना है पहले वाले से तो एस है कितने पहले वन टू तीन थ्री है ना थ्री तीन एस है तीन में से एक ले लो थ्री सी वन लिखो या थ्री लिख दो अपॉन टोटल टोटल कितने वर्ड लेटर इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अपॉन टेन टेन में से एक ले लो टेन सी वन ये थ्री अपॉन टेन हो गया एस के लिए अभी हमने बस इसमें से लिया है एंड एंड अब इसमें से लेंगे तभी तो सेम होगा अब इसमें से एस लो इसमें एस तीन है तो इसमें से भी थ्री सी वन लिखे या थ्री अपॉन इसमें कितने हैं टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन में से एक ले लें या नाइन सीवन लिखे चाहे नाइन ये तो एस के लिए हो गया आर लिखा है तो प्लस अब टी लेते हैं टी इसमें कितने हैं वन टू थ्री थ्री इसमें टी है तो थ्री सी वन लिखे अपॉन टोटल टेन सी वन ठीक है एंड इसमें से भी टी ले लेते हैं टी कितने है इसमें इसमें दो है तो टू सी वन अपॉन टेन सॉरी नाइन सी वन क्योंकि इसमें टोटल नाइन थे सी वन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी वैल्यू तो वही वाली आ जाती है ऊपर वाली ये तो टी के लिए हो गया और तो प्लस ए अब लेते हैं ए इसमें तो एक ही है तो वन सी वन या वन लिखे अपॉन टोटल टोटल मतलब टेन सी वन एंड अब ए इसमें से ले लेते हैं इसमें ए दो है तो टू सी वन यानी कि टू अपॉन नाइन सी वन ठीक है अब या आई अब लेना है है ना तो आई इसमें कितना है इसमें दो आई है तो टू सी वन ये कहीं लेना है अपॉन टेन सी वन टोटल एंड आई इसमें से ले लें आई इसमें तो एक है तो वन अपॉन नाइन सी वन ठीक है तो नाइन लिख दिया अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करें तो थ्री थ्री जार नाइन अपॉन नाइनटी प्लस थ्री टू जार सिक्स अपॉन नाइनटी टू वन जार टू अपॉन नाइनटी और ये भी टू वन जार टू अपॉन 90, और ऐड करेंगे तो ये टेन और नाइन नाइनटीन अपॉन 90 तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विटनेस इन ए केस दो केसेज हैं ठीक है ठीके? मतलब दो ए दो विटनेस हैं एक केस के लिए द दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज एक्स ए का जो ए जो है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए के लिए एक्स है बी स्पीक द ट्रूथ इज वाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या है सच बोलने की वाई है इफ ए एंड बी एग्री ऑन अ सर्टेन स्टेटमेंट किसी स्टेटमेंट पर दोनों सहमत हो जाते हैं अब भाई एग्री कब होंगे या तो दोनों सच बोल रहे हो तो अब कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है एग्री हो जाएंगे या दोनों झूठ बोल रहे हो आपस में आपस में मिले हुए हैं तो दोनों झूठ बोल रहे हो तो भी आपस में एग्री हो जाएंगे मतलब दो पॉसिबिलिटी है या तो दोनों सच बोले तब एग्री होंगे या तो दोनों झूठ बोले तब एग्री होंगे तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू मतलब सच स्टेटमेंट रहा होगा तब उस पर एग्री हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो अभी हमने दो पॉसिबिलिटी ढूंढा है क्या कि या तो ए और बी जो दोनों है या तो दोनों सच बोल रहे हो ट्रू बोल रहे हो या तो दोनों फॉल्स बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो गलत बोल रहे हो ठीक है यही केसेस है और अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो सब एग्री तो करेंगे ही है कि नहीं दोनों सच है सच बोल रहे हैं तो एग्री आपस में हो जाएंगे या फिर तो हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हो तो भी एग्री कर रहे हो यह होगा अब दोनों सच बोल रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ए सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है एंड बी सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वाई है तो ए दोनों सच बोल रहे हैं तो एक्स वाई अब यह हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हो तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस एक्स घटा कर लिखेंगे एंड बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस वाई ठीक है यहां तक अब अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो दोनों एग्री तो करेंगे ही ना पक्का है तो एग्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन क्योंकि एग्री करना ही करना है इसमें कोई चॉइसेस है ही नहीं और अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो भी एग्री करेंगे कोई चॉइसेस नहीं है एग्री तो करेंगे ही पक्का है क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं या फिर दोनों सच बोल रहे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी है और क्या बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू रहा हो मतलब ये वाला केस ये हमारा फेवरेबल इसमें देखो क्या है इंड रिजल्ट हमें पता है इंड रिजल्ट हमें पता है कि दोनों लास्ट में वो एग्री करेंगे ही ठीक है इंड रिजल्ट पता है इसलिए ये किस थ्योरम पर लगेगा बेस थ्योरम पर लगेगा ठीक है बेस थ्योरम का ये प्रॉब्लम है तो कैसे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हमारा हो गया फेवरेबल इसी की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो लिख लो एक्स वाई इन टू वन हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल टोटल में दोनों लिखेंगे केसेस पहला केस क्या एक्स वाई इंटू वन प्लस दूसरा केस है तो ये वन माइनस एक्स वन माइनस वाई इंटू वन और अच्छे से लिखे तो एक्स वाई अपॉन नीचे एक्स वाई प्लस वन माइनस एक्स और वन माइनस वाई तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के पूरे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लें पूरा कंप्लीट कर लें इस सीरीज को और अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जो निडी स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू